आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिमेंडर थ्योरम से नंबर सिस्टम नाम का जो टॉपिक है उसके अंदर एक टॉपिक आता है रिमेंडर थ्योरम शेषफल परिमय तो शेषफल परिमय से आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि टू का पावर वन टू को अगर छः से भाग दे तो शेषफल क्या होगा टू के पावर वन टू को अगर हम छः से भाग दे तो रिमाइंडर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है अच्छा इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये जरूर पढ़ाया गया होगा समझिएगा कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है पहला जो तरीका होगा उसमें आपको ये ध्यान रखना है और ये चीज हर कोई पढ़ाता है आपको कि अगर कभी भी टू का पावर ऑड हो ऑड का मतलब दो का घात क्या हो विषम हो और इसको हम कभी भी छः से भाग लगाएं किससे भाग लगाएं छः से तो हमेशा जो रिमाइंडर आता है जो आता है, वह कितना आता है? दो. वैसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि अगर दो का घात हो दो का घात क्या हो सम हो और अगर हम इसमें छे का भाग लगाएं, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है चार आता है यह छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए छे के केस में कि कभी भी अगर हम दो के पावर ऑड कोई भी नंबर दो के पावर ऑड हो और अगर उसमें हम छे का भाग लगाएं तो शेषफल कितना आएगा दो और दो का पावर इवेन हो छ का भाग लगाएं तो शेषफल कितना आएगा चार कैसे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि दो का पावर एक है इसमें किसका भाग लगाओ छ का और आप सभी जानते हैं एक क्या है तो ऑड संख्या है विषम संख्या है अच्छा मैं दो में छ का भाग लगाऊंगा क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू कम है तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा अगर मैंने आपसे कहा कि दो का पावर दो में 6 का भाग लगाइए तो आपने कहा सर दो का पावर दो कितना होता है चार और चार में छ का भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 6। वैसे ही मैं आपसे कहूं कि दो का पावर तीन में मैं छ का भाग लगाऊं तो आप कहोगे सर दो का पावर तीन कितना होगा तो आठ और आठ में मैं 6 का भाग लगाऊं तो शेषफल कितना आएगा दो फिर मैंने आपसे कहा कि दो का घात है उसमें मैं छे का भाग लगाता हूँ तो अगर मैं दो का घात चार करू तो आप कहोगे सर दो का घात कितना होता है सोलह और सोलह में अगर मैं छे का भाग लगाता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है चार अब यहाँ से आपने एक साइकिल पकड़ लिया यहाँ से आपने एक पैटर्न पकड़ लिया क्या पैटर्न आपने देखा तो ध्यान देना कि जब भी दो का पावर ऑड हो रहा है जब भी दो का पावर ऑड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है दो और जब भी दो का पावर इवेन हो रहा है दो क्या है सम संख्या दो के ऊपर ये पावर क्या है चार चार क्या है सम संख्या तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है चार। तो ये चीज आप आपको पता होना चाहिए कि दो का घात अगर ऑड हो छ का भाग लगाए तो रिमाइंडर दो।, दो का घात अगर सम हो छ का भाग लगाए रिमाइंडर चार ये छोटा सा बात अगर आपको पता है तो एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर दोगे अब आप देखो आपसे क्या कह रहा है टू का पावर वन नाइन्टी टू टू का पावर वन नाइनटी दो का घात एक सौ बिरानवे अब वन नाइन टू क्या है तो आप कहोगे क्या, 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 अच्छा, तो तो क्या होगा बिल्कुल ही सही ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल क्या है सही उत्तर है। एक तो तरीका आपको ये पता होना चाहिए था एक दूसरा तरीका मैं समझाता हूँ जिनको ये नहीं पता वो ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हैं समझिएगा दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं सेकेंड मेथड मैं समझाता हूँ सेम क्वेश्चन का कि मुझे क्या करना है 2 का पावर 192 में 6 का भाग लगाकर बताना है रिमाइंडर क्या आएगा शेषफल क्या आएगा अच्छा उससे पहले एक छोटी सी बात समझिए दो तरह के रिमाइंडर होते हैं

कि सर तीन में चार का भाग लगाओ तीन में चार का भाग लगाओ तो आपने कहा सर तीन में चार का भाग लगाना है क्योंकि तीन क्या है चार से छोटा है इसका मतलब तीन ही क्या रहा होगा रिमाइंडर रहा होगा तीन ही क्या रहा होगा सक्सेसफुल रहा होगा तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर तीन में मैंने चार का भाग लगाया तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर है जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो मेरा कितना है तीन और अगर मैं इसका निगेटिव रिमाइंडर निकालना चाहूं ऋणात्मक शेषफल निकालना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा कि अगर चार और तीन का अंतर देखे तो वह कितना है माइनस का एक तो हम कहेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा माइनस का एक या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चार का पहरा मैंने एक बार पढ़ा कितना आया चार और चार से तीन कितना कम है एक इसीलिए नेगेटिव रिमाइंडर क्या माइनस एक जैसे मान लो मैंने आपसे कहा आठ बटा नौ है तो मैं पूछूं इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा तो आप कहोगे आठ और मैं बोलूं इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा तो आप कहोगे डिफरेंस एक का है तो माइनस एक निगेटिव रिमाइंडर होगा वैसे इस वाले क्वेश्चन का मैं पूछूं पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा तो आप कहोगे दो चार में मैंने चार में, में मैंने किसका भाग लाया सॉरी छे में मैंने किसका भाग लाया चार का चार का पहाड़ा एक बार रिमाइंडर दो आया मैं बोलूं इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा ऋणात्मक शेषफल क्या होगा तो आप क्या कहोगे सर चार का पहारा में दो बार पढ़ू चार दूनी कितना आट। आट से छह कितना कम है दो तो आपने कहा सर माइनस दो या फिर आप ऐसा कह सकते हैं इनका डिफरेंस कितना है दो का तो निगेटिव रिमाइंडर कितने का आएगा माइनस के दो का तो ये पॉजिटिव और निगेटिव ये चीज आप ध्यान में रखना एक चीज और ध्यान रखना अगर ऊपर वाला मान नीचे वाले से छोटा है तो कहीं ना कहीं वो सेसफल ही है ठीक है अब इस क्वेश्चन को सरल करने का तरीका क्या होता है जो नॉर्मल तरीका होता है सरल करते हैं ये दो का घात एक में है और बटा कितना है ठीक है, है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दो गुना दो का घात एक सौ इक्यानवे आप सबको पता है कि अगर का घात एन हो और गुना घात एम हो तो इसको हम लिख सकते हैं एक आघात एन प्लस एम तो मैंने यहां क्या किया टू का पावर वन नाइनटी टू था तो इसको लिखा टू का पावर वन इन टू टू का पावर टू नाइन सिक्स देखो यहां वन है ये 91 वन है जुड़ के टू हो जाएगा अब क्या करो दो से इस 6 को काट दो कितनी बार तीन बार तो आपने कहा कि अब जो सरल होके क्वेश्चन आ गया वह क्या आ गया टू नाइन्टी वन का सॉरी टू का पावर वन वन और भाग किसका लगाना है तीन का अब मुझे एक बात बताओ अभी नाइनटी वन को छोड़ दो पावर को छोड़ दो छोड़ दो अगर दो में मैं तीन का भाग लगाऊं तो आप कहोगे मैं यहां कहूं कि दो में आप तीन का भाग लगाइए तो आप क्या कहोगे सर पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा दो और निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा माइनस एक तो मैंने कहा कि यहां अगर निगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो वह कितना आएगा माइनस एक और यह माइनस एक कितनी बार आएगा तो एक सौ इक्यानवे बार आएगा क्योंकि दो का पावर क्या है टू नाइन वन इसका मतलब यह है कि दो को वन नाइन वन टाइम्स हम लिख रहे हैं दो का घात एक सौ इक्यानवे है इसका मतलब दो को हम गुना में वन नाइनटी वन टाइम्स लिख रहे हैं तो आपने कहा इनके नेगेटिव रिमाइंडर का मान कितना माइनस एक पावर कितना 191। और माइनस में एक है इसका पावर वन नाइनटी वन करेंगे तो आप कहोगे सर माइनस का वन ही आएगा ठीक है अब वन मेरे पास क्या है नेगेटिव रिमाइंडर है वन क्या है नेगेटिव रिमाइंडर तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है तो जिसका हम भाग लगा रहे थे भाग किसका लगा रहे थे तीन का वही तीन यहां जोड़ दीजिए तो आपने कहा कि सर इसका रिमाइंडर कितना आएगा दो लेकिन ये जो रिमेंडर आया है, ये जो जो रिमाइंडर आया 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 है 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 दो वो किसका आया है? तो आप कहोगे सर इसका पावर वन नाइन वन डिवाइड थ्री का लेकिन इससे पहले मैंने दो से सरल किया था ना दो से इसको तीन बार काटा था तो जितने से काटा था उसका यहां गुना कर देते हैं तो दो में दो का गुना कितना चार तो अभी भी शेषफल कितना रहा चार रहा ठीक है बेसिक तरीका यह था बेसिक तरीके से आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे और यहीं से जो सॉल्यूशन निकला वो इस तरीके से डायरेक्ट आपको अगले क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन नंबर टू दूसरा क्वेश्चन भी रिमाइंडर थ्योरम से, से है पर कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है कि एटी फाइव इंटू एटी सेवन इंटू एटी नाइन इन टू वन मल्टीप्लाई नाइन्टी फाइव मल्टीप्लाई नाइनटी सिक्स और इसमें किसका भाग लगाना है सौ का और बताना है रिमाइंडर क्या होगा अब एक तो क्या है इनको गुना करके सौ का भाग लगाओ या फिर देखो जो जो कट सकता है उसको काट लेते हैं जैसे मैं पाँच से काटू तो आप कहोगे सर पाँच से ये बीस बार कट जाएगा और पाँच से ये पचासी सत्रह बार कट जाएगा फिर मैं पांच से काटू तो आप कहोगे सर पांच से ये चार बार कट जाएगा और पांच से ये यह नाइन उन्नीस फिर मैं अगर चार से काटू तो ये कितनी बार कट जाएगा चार दुनी आट, और यह नाइन कितना सोलह मतलब इस सौ से ऊपर वाला नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है इसका मतलब क्या है पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर क्या जीरो जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो कोई भी सेसफल नहीं बचा तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जीरो ऑप्शन नंबर ए जीरो अगले क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री अब ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है लेकिन नंबर सिस्टम के अंदर आपको पता होना चाहिए यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं ठीक है इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट में एक बार आपको दिमाग में डाल देता हूं ध्यान दीजिएगा अच्छा मुझे सबसे पहले एक बात बताइए अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है इकाई का अंक और इकाई के अंक पे क्या क्या आ सकता है तो आप कहोगे सर जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ इकाई के अंक पे यही दस मान आ सकते हैं इसके अलावा कोई भी मान नहीं आ सकता है अब इन सब का मैं आपको रूल समझाता हूँ समझिएगा रूल्स क्या कहता है कि अगर जीरो का पावर मैं कुछ भी कर लू जीरो का पावर मैं कुछ भी कर लू जीरो का घात मैं कुछ भी रख लू हमेशा जो यूनिट डिजिट है वो जीरो ही आएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा वैसे ही मैं एक का पावर कुछ भी रख लू एक का घात मैं कुछ भी रख लू इकाई के अंक पे यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा एक ही आएगा वैसे ही अगर मैं कहूं कि पांच का घात मैं कुछ भी रख लू एक दो तीन चार पचास पांच सौ पचास कुछ भी रख लूँ हमेशा यूनिट डिजिट पे पाँच ही आएगा सेम वैसे ही अगर मैं कहूँ कि छे का घात कुछ भी रख लीजिए दो तीन चार पाँच छः बारह पंद्रह सोलह कुछ भी हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा छः आएगा मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक जीरो एक पांच छ हो अगर उसके पावर कुछ भी दिया है तो आंसर क्या होगा एज इट इज रह जाएगा अगर यूनिट डिजिट पे जीरो है तो आंसर भी यूनिट डिजिट पे जीरो आएगा एक है तो यहां भी एक पांच है तो पांच छ है तो छ मतलब जीरो का एक का पांच का और छ का रूल हमें पता चल गया अच्छा दूसरा चार का रूल याद रखना चार के रूल में थोड़ी सी चीजें समझनी होगी अगर चार का पावर ऑड है चार का पावर ऑड है और चार का पावर क्या है इवेन है यहां तो पावर कैसा भी हो ऑड हो इवेन हो सम हो विषम हो एज इट इज रह जाएगा लेकिन अगर चार वाले केस की बात करें तो चार का पावर अगर विषम है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा चार और चार का पावर अगर सम है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा छ जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि सर चार का पावर सोलह इसका इकाई क्या होगा तो आप कहोगे सर चार का पावर कैसा है तो सम है सम है तो आंसर चार, अच्छा, तो तो आएगा? चार आएगा यह चीज आपको ध्यान में रखना था वैसे ही अगर मैं नौ की बात करूं किसकी बात करू नौ की तो नौ में भी ध्यान रखना है कि अगर पावर ऑड हो तो क्या आएगा नौ आएगा यूनिट डिजिट पे और पावर अगर इवेंट हो सम हो तो यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा एक तो हमने नौ का भी रूल समझ लिया और चार का भी रूल समझ लिया अब बचा क्या दो तीन सात और आठ दो और आठ का रूल सेम होता है दो और आठ का रूल क्या होता है सेम दो और आठ के रूल में हमेशा पावर को हमेशा पावर को चार से डिवाइड करते हैं हमेशा पावर को चार से डिवाइड करते हैं डिवाइड करने के बाद जो सेसफल होता है भाग देने के बाद जो सेसफल होता है उसको दो या आठ के पावर रख देते हैं दो या आठ का पावर रख देते हैं और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसी का इकाई का अंक क्या होगा इस पूरे का इकाई का अंक वैसे ही तीन और सात का होता है तीन और सात का रूल क्या होता है कि तीन और सात के लिए भी पावर को हम क्या करते हैं चार से डिवाइड करते हैं और चार से डिवाइड करने के बाद जो भी पावर आए उसको तीन का घात है तो ती, तीन है तो तीन के घात पर रख दीजिए सात है तो सात के घात पर रख दीजिए और उसके बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा उस संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट तो चीज आपको ध्यान रखना अच्छा चार का ही भाग क्यों लगाते हैं और तीन का ही भाग क्यों लगाते हैं इसके पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जैसे मैं एक केस ले लेता हूँ दो की बात करता हूं अगर मैं दो का पावर एक लू तो आप कहोगे कितना आएगा दो मैं दो का पावर दो लू तो आप कितना कहोगे चार मैं दो का पावर तीन लूँ तो आप कितना कहोगे आठ और मैं दो का पावर चार लूँ तो आप क्या कहोगे सर दो का पावर चार कितना होगा सोलह और सोलह का इकाई अंक क्या होगा छः वैसे ही मैं कहूँ कि सर दो का पावर पाँच तो आप कहोगे सर बत्तीस और बत्तीस का इकाई अंक क्या दो मैं कहूँ दो का पावर छः तो आप कहोगे सर चौंसठ और चौंसठ का इकाई अंक कितना चार वैसे ही मैं कहूँ दो का पावर सात तो आप कहोगे एक सौ अट्ठाईस और एक सौ अट्ठाईस का इकाई का अंक कितना आठ मैं कहूं दो का पावर आठ तो आप कहोगे क्या सर दो सौ छप्पन और दो सौ छप्पन का अंक कितना छे तो आप यहां क्या गौर कर रहे हो देखो गौर से देखो इन चार के बाद

आपको पूरा पता होना चाहिए यूनिट डिजिट के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है वैसे और भी सारे कॉन्सेप्ट है करेंगे ये सब पेड़ कोर्स में बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं सोल्यूशन देखो, देखो मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइव सेवन टू फोर टू मैं इस साइड क्वेश्चन को लिख ले रहा हूं फाइव सेवन टू फोर टू और इसका पावर क्या दिया है चेक करिए नौ गुना सात गुना पाँच नौ गुना सात गुना पाँच गुना तीन गुना एक और कह रहा है इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें बहुत आसान है देखो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है चूंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है चूंकि हमें इकाई का अंक निकालना है और अगर इकाई का अंक निकालना है तो सिर्फ इकाई से मतलब रखो बाकी को भूल जाओ भूल जाओ कि बाकी कुछ दिया हुआ भी है सिर्फ आप इकाई से मतलब रखो मतलब आपको सिंपल ये देखना है कि सिर्फ दो से मतलब है अच्छा दो का पावर क्या है नौ गुना सात गुना पांच गुना तीन गुना एक मैंने दो और आठ का रूल क्या समझाया सर चार का भाग लगाते हैं पावर में पावर में किसका भाग लगाते हैं चार का तो मुझे इनमें किसका भाग लगाना होगा सर चार का अब चार का भाग कैसे भी लगा सकते हो इन सबको गुना करके लगाओ या डायरेक्ट लगा लो चलो मैं डायरेक्ट लगाता हूँ चार से अगर नौ को काटू तो चार दुनिया आठ कितना शेषफल बचेगा तो आप कहोगे एक अच्छा सात को मैं चार से भाग लगाऊं तो आप कहोगे तीन। तो तीन तो 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 दो बार पढ़ लू चार दुनी आठ एक ज्यादा है तो यहां मैं कह सकता हूं नेगेटिव रिमाइंडर कितना माइनस का एक फिर मैंने पांच में चार का भाग लगाया तो आपने कहा सर चार का पहारा एक बार कितना आएगा रिमाइंडर एक फिर मैंने चार में तीन का भाग लगाया अगर तीन सॉरी तीन में चार का भाग लगाया तो आप देख रहे हो तीन छोटा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो क्या हो जाएगा तीन नेगेटिव रिमाइंडर कैसे तो चार का पहारा में एक बार पढ़ू चार तो कितना कम हो रहा है एक चार से एक ही कम है तो माइनस एक और ये तो कितना है एक ही इन सबको आप गुना कर लीजिए अच्छा इन सबको जब आप गुना करेंगे तो माइनस एक और माइनस एक प्लस का एक और सबको गुना करने पर एक आएगा मतलब ये है कि इस नंबर में अगर मैं चार का भाग लगाऊं तो शेषफल एक आएगा तो मैंने क्या किया जो संख्या था दो शेषफल एक बचा तो इसके ऊपर एक लिख दिया दो का पावर एक दो होता है मतलब इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा दो होगा मान लीजिए भाग लगाने पर शेषफल दो आता तो मैं दो का घात दो करता कितना आता चार चार क्या हो जाता यूनिट डिजिट मान लीजिए शेषफल पांच आता तो मैं दो का घात पांच करता और दो का घात पांच क्या होता है बत्तीस और बत्तीस का इकाई अंक क्या होता है दो तो यूनिट डिजिट कितना दो सही उत्तर क्या होगा दो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए दो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर देखो आज का जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य खंड की संख्या ज्ञात करना अगर आपको अभाज्य खंड की संख्या ज्ञात करना आता है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बहुत आसानी से कर लेंगे पहले मैं समझाता हूँ कि अभाज्य खंड होता क्या है अभाज्य खंड की संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है समझिए कॉन्सेप्ट जैसे मान लो मैंने आपसे कहा एक नंबर है छ एक संख्या क्या है छ और मैं आपसे पूछूं इस छः में कितनी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगा सकते हैं या ऐसी कितनी संख्या है जो छे को पूरा पूरा विभाजित कर देगी तो आप क्या कह सकते हो सर छे एक से भी पूरा पूरा कट जाएगा सर छे दो से भी पूरा पूरा कट जाएगा तीन से भी पूरा पूरा कट जाएगा चार से नहीं कटेगा फिर पांच से भी नहीं कटेगा किस से कटेगा छः से मतलब इस छे को अगर मुझे काटना है तो या तो ये एक से पूरा पूरा कटेगा या तो दो से या तीन से या फिर छ से क्लियर है तो मैं आपसे कि कितनी ऐसी संख्या है जिससे छह में भाग लग सकता है तो आप कहोगे काउंट करके एक दो तीन और चार चार ऐसी संख्या है जो जिससे छ पूरा पूरा कट सकता है एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैंने कहा एक संख्या बारह है मैं बोलू बारह कौन कौन सी संख्या से कट सकता है तो आप कहोगे सर एक से दो से तीन से भी कट जाएगा चार से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा पांच से नहीं लगेगा फिर छः से सात और आठ नौ दस ग्यारह उसके बाद क्या बारह छ सात आठ नौ दस ग्यारह का भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा डायरेक्ट किससे लगेगा बारह से तो आपने कहा कि बारह को अगर मुझे पूरा पूरा काटना है तो किस किस संख्या से कट सकती है तो एक से दो से तीन से चार से छह से और बारह से इन छह संख्याओं से बारह पूरा पूरा कट सकती है तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है प्राइम फैक्टराइज करके या अभाज्य खंड निकालकर हम ये ज्ञात करते हैं कि जो दीवी संख्या है उसमें कुल कितनी संख्याओं का पूरा पूरा भाग लग सकता है अब एक तो तरीका क्या था कि ये तरीका था मैंने इस तरीके से लिख कर बोला कि टोटल छह संख्या है बड़ा हो जाता मान लो मैं आपसे कहता कि बताएं कि 108 में टोटल कितनी संख्याओं का पूरा पूरा भाग लग सकता है तो इस तरीके से करने का नहीं टाइम होगा हमारे पास एग्जाम में और इस तरीके से करना सही भी नहीं होगा क्यों क्योंकि हो सकता है हम कोई नंबर भूल जाएं बीच में काफ़ी कंफ्यूजन भी हो सकता है तो इसको सरल करने का तरीका क्या होता है इसको सरल करने का तरीका होता है कि आपको प्राइम फैक्टर निकालना है पहले जो भी नंबर दिया है उसका प्राइम फैक्टर निकालना है अभाज्य खंड निकालना है जैसे छः की बात करूं तो मैंने छः का अभाज्य खंड निकाला कैसे तो पहले मैंने दो से भाग लगाया कितनी बार में तीन से फिर मैंने तीन से भाग लगाया कितनी बार में एक बार में एक आ जाएगा रुक जाना है फिर मैंने क्या कहा इसको हम क्या लिख सकते हैं दो गुना तीन इसका मतलब क्या है सर दो का पावर एक है और तीन का पावर एक है मैं अभाज्य खंड की संख्या निकालूं कहने का मतलब मैं ऐसी संख्या निकाल रहा हूं जिससे ऐसी सारी संख्या निकाल रहा हूं जिससे छह पूरा पूरा कट जाए तो कैसे निकालेंगे जो भी इसके पावर होगा उसमें एक बढ़ा देना जैसे दो का पावर एक है तो एक में एक बढ़ा दिया तीन का पावर एक है तो एक, में एक बढ़ा दिया गुना है तो गुना कर देंगे एक और एक दो एक और एक दो, दो में दो का गुना कितना चार मतलब मुझे पता चल गया छह में टोटल चार ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा भाग लग सकता है ठीक है वैसे ही मैं आपसे कहूँ कि बारह की बात करूं देखो तो बारह के लिए भी सेम उसी तरीके से दो से काटा कितनी बार छह बार दो बार आया तो इसको लिख सकते हैं दो का वर्ग गुना तीन का घात एक मैं पूछूं अभाज्य खंड की संख्या या ऐसी कितनी संख्या है जिससे बारह पूरा पूरा कट जाएगा वो कैसे निकालेंगे तो जो भी पावर होगा उसमें एक जोड़ दो यहाँ पावर क्या है एक उसमें एक जोड़ दिया और इनको गुना कर दो ये दो और एक तीन और एक और एक दो तीन दुनी कितना छे। छे ऐसी संख्या है जिससे बारह पूरा पूरा कट जाएगी और देखो इस तरीके से भी निकाला था तो आंसर सेम ही रहा था आंसर सेम ही रहा था तो छोटे नंबर से तो ऐसे पता कर लिया लेकिन बड़े नंबर हो गए तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा जैसे मैं एक का निकालू मैं यहाँ निकाल रहा हूँ एक 108 का एक का कैसे निकालता तो मैं दो से काटता पांच बार में दो से चार बार में फिर मैं दो से काटता दो और सात बार में फिर मैं तीन से काटता नौ बार में फिर मैं तीन से काटता तीन बार में फिर मैं तीन से काटता एक बार में मतलब क्या हुआ सर दो का पावर दो गुना तीन का पावर तीन दो दो बार आया है तीन तीन बार आया है। अच्छा खंड की संख्या निकालते कैसे तो जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो तो आपने कहा सर दो एक तीन तीन और एक चार तो टोटल बारह बारह ऐसी संख्या है

एक्स से पूरा पूरा कट जाएगा तो हमें बताना है एक्स के कितने मान संभव है मतलब यहाँ एक्स का ऐसा कितना मान ले जिससे ये नंबर पूरा पूरा कट जाए तो मुझे एक बात बताओ क्या आप देख रहे हो X में अगर X का भाग लगाएंगे तो ये तो पूरा पूरा कट गया अब यहाँ क्या बचा छियानवे बटा एक्स मतलब मैं एक्स का मान अगर मुझे निकालना है ये पता करना है कि एक्स के कौन कौन से संभावित मान है उसके लिए मुझे क्या करना होगा छियानवे का अभाज्य खंड निकालना होगा अभाज्य खंडो की संख्या प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा अब मैंने लिखा यहां छियान में दो से कितनी बार आठ बार दो से कितनी बार चौबीस फिर ये दो से कितनी बार बारह दो से कितनी बार वापस दो से कितनी बार तीन ठीक है फिर मैंने कहा तीन से कितनी बार एक क्लियर है तो आपने देखा कि दो कितनी बार आया पांच बार तो आपने कहा सर प्राइम फैक्टर करे तो दो का घात तो कितना आ रहा है पांच और तीन कितनी बार आया एक बार मुझे ये निकालना है कि, कि कितने अभाज्य खंडों की संख्या हो सकती है ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिससे छियानवे पूरा पूरा कट जाए तो कैसे करते हैं जो भी पावर होगा उसमें एक ऐड कर दो जो भी पावर होगा उसमें एक ऐड कर दो और गुना कर दो पांच और एक छ एक और एक दो तो आपने कहा छ गुना दो बारह ऐसे एक्स के मान संभव एक्स का मान तो निकालना था एक्स के बारह मान संभव है या घन पूर्णांक है तो इस प्रकार सात एक्स प्लस छियानवे विभाज्य है एक्स से तो एक्स के कितने मान संभव है आप कहोगे सर बारह मान संभव है आप क्या कहोगे बारह मान संभव है कॉन्सेप्ट पता है तुरंत हो जाएगा सारे पे क्वेश्चन हार्ड नहीं आए थे कुछ ही क्वेश्चन हार्ड आए थे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है यदि पी क्यू आर और एस एक अंक वाली भिन्न घनात्मक संख्याएं हैं पॉजिटिव नंबर है ठीक है, है तो हमें बताना है पी प्लस क्यू और आर प्लस एस का महत्तम मान क्या है मतलब मुझे ये बताना है कि प्लस क्यू को जब जोरू आर प्लस एस को जोरू और इन दोनों को गुना करूं तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे कब प्राप्त चीज हमें बताना है अच्छा मुझे क्वेश्चन में पहले इंस्ट्रक्शन दे चुका है कि जो लेना है वो कितने अंक वाली संख्या लेनी है तो एक अंक वाली लेनी है और वो सारी की सारी क्या लेनी है घनात्मक और पॉजिटिव और आप जानते हो एक अंक वाली संख्या मतलब यूनिट डिजिट की बात कर रहा है अंक की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है अंक की बात कर रहा है अगर मैं अंक की बात करूं तो आपको पता है टोटल अंक कितने होते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ जीरो नहीं लिया क्योंकि तो जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है और इसमें कह रहा था कि सारी जो एक अंक वाली संख्या लेनी है वो कैसी लेनी है घनात्मक लेनी है अच्छा मुझे वैल्यू क्या रखना है मैक्सिमम रखना है वैल्यू क्या रखना है मैक्सिमम रखना है ज्यादा ज्यादा रखना है तो जहा ज्यादा रखना होगा तो मुझे सारी बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी छोटी वैल्यू से तो हमें काम नहीं चलेगा तो सारी वैल्यू हमें क्या रखनी है मैक्सिमम तो बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी और ये बड़ी वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं तो हमने कहा एक छत एक, एक आठ और एक नौ अब यहां से हमें कम्बिनेशन बनाना है कि, कि किसका मान पीयू किस किसका नाम क्यू किसका आर और किसका एस ले और फिर इस वैल्यू में पुट करें ताकि मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ जाए अब कम्बिनेशन बनाओ जैसे मान लो मैंने इन दोनों को लिया और इन दोनों को लिया इनको पी इनको क्यू इनको आर इनको एस तो मैंने कहा इन दोनों को जब मैंने जोड़ा छ प्लस सात और यहाँ आठ प्लस नौ और इनका ही गुना करना था तो गुना करो तो आपने कहा सर ये 6 और छत कितना तेरह और नौ और आठ कितना सत्रह अब मैं गुना करूंगा तो सत्रह में तेरह का सत्रह का पहरा दस बार पढ़ू एक सौ सत्तर और सत्रह कितना इक्यावन एक सौ सत्तर में इक्यावन जोड़ू तो आपने कहा सर दो सौ इक्कीस क्लियर है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लूं ध्यान दीजिएगा ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कहा इनका इनका और इनका इनका पी ए मानू क्यू ये मानू आ पी ए क्यू ये आर ए एस ये तो मैंने कहा एक कॉम्बिनेशन मेरा क्या हो सकता है 9 प्लस 6 और एक क्या हो सकता है सॉरी 9 प्लस 7 देखो यहां ध्यान से 9 प्लस 7 और छे प्लस आठ अब इनको टोटल किया तो आपने कहा ये सोलह और ये कितना आठ और छ चौदह इनका मैंने गुना किया सोलह का गुना कितनी बार दस बार तो एक सौ साठ और सोलह चौका कितना होता है चौसठ सोलह चौका कितना होता है चौसठ एक सौ साठ में चौसठ जोड़ोगे तो वैल्यू कितना आएगा दो सौ चौबीस अच्छा कंबिनेशन ये भी बन सकता है कलर में चेंज कर रहा हूँ कंबिनेशन ये भी बन सकता है छ सात आठ और नौ था एक कम्बिनेशन यह भी बन सकता है कि मैंने कहा कि इनको इनको ले लो इनको इनको ले लो मतलब छ और नौ को आठ और सात को तो आपने कहा सर आठ प्लस सात और यहाँ पे क्या है छ प्लस कितना नौ आठ और सात कितना पंद्रह नौ और छ कितना पंद्रह पंद्रह में पंद्रह का गुना कितना दो सौ पच्चीस यही तीन कम्बिनेशन बन सकते हैं और इन तीन कम्बिनेशन से मैक्सिमम वैल्यू मुझे तो बड़ा तो वैल्यू क्या मिलेगा कॉम्बिनेशन बनाकर 225 मिलेगा तो सही उत्तर क्या होगा 225 ये तो ट्रेडिशनल तरीका था इस तरीके से आप सोच सकते थे इसका एक बेस्ट मेथड और बताता हूँ इस चीज को आप ध्यान देना कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझना कहता है कि मान लो मैंने कहा कि किसी भी दो अंक, दो अंक अंकों की संख्या ले ली दो संख्या ले ली, एक एक ए ले ले ली और बी लिया इन दोनों को जोड़ा तो वैल्यू कितना मिला समझना वापस कि अगर मैं दो संख्याओं को जोड़ रहा हूं एक संख्या मैंने ए लिया दूसरा संख्या मैंने बी लिया इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ प्राप्त हुआ अब मैं कहूं कि ए गुना बी मुझे मैक्सिमम कब मिलेगा इन दोनों का गुणनफल इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो छ मिल रहा है इन दोनों को गुना करूं तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा सबसे ज्यादा मान कब मिलेगा तो पहले कम्बिनेशन बैठा कैसे कैसे देखो, एका लू, लू, एका एक लू का मान में पांच लू तब भी आ जाएगा ए का मान में दो बी का मान मैं चार लू, लूं तब भी आप कहोगे चार और दो आ जाएगा इनका जो कॉम्बिनेशन बैठेगा मैंने कहा का मान तीन और बी का मान तीन तब भी छः आ जाएगा टोटल कितने पेयर संभव है चार मतलब A का मान मैं जीरो ले लूं तो बी का मान मुझे छः लेना पड़ेगा और जीरो में मैं छः का गुना करूंगा तो वैल्यू कितना आएगा जीरो अगर मैं ए का मान एक बी का मान पाँच लेता हूँ तो एक गुना पाँच कितना आएगा पाँच दो और चार लेता हूँ तो दो गुना चार कितना आएगा आठ तीन और तीन लेता हूँ ए भी तीन बी भी तीन तो कितना आएगा नौ तो आपने क्या देखा आपने क्या देखा कि मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगा जब दोनों का मान क्या होगा बराबर कहने का मतलब यह कि अगर ए प्लस बी कोई एक फिक्स नंबर है तो ए गुना बी मैक्सिमम कब हो सकता है ए गुना बी मैक्सिमम तब होगा जब ए और बी का मान क्या होगा बराबर होगा मतलब अगर ए का मान दो लेंगे तो बी का मान भी दो लेना पड़ेगा और अगर ये कॉन्सेप्ट मुझे पता होता तो मैं डायरेक्ट कहता कि यहां संभव क्या है तो देखो अगर मैं इसको एक्स मान लू इसको मैं वाई मान लू तो मैं क्या कहूंगा एक्स गुना वाई मैक्सिमम कब संभव है कब संभव है जब x बराबर वाई हो और x बराबर वाई तो मतलब अगर x का मान एक लिया तो y का मान भी एक लेना पड़ेगा कहने का मतलब अगर दोनों वैल्यू बराबर है और दोनों को गुना कर रहे हैं तो वर्ग होगा मतलब ऑप्शन वही होगा इस क्वेश्चन के अंदर जो किसी संख्या का वर्ग होगा तो देखो 230 किसी का वर्ग है नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता 224 किसी संख्या का वर्ग है नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता 221 किसी संख्या का वर्ग है नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता 225 तो एक लौता है जो पंद्रह का वर्ग होता है किसका वर्ग होता है पंद्रह का इसका मतलब एक का भी मान पंद्रह और बी का मान भी पंद्रह दोनों बराबर लेंगे तो आंसर कितना 225 सौ कॉन्सेप्ट पता होता तो डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक लगा लेते नहीं तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे ये मैंने यही चार क्यों लिए क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेना था फिर मैंने पेयर बना लिए दो दो के और दो दो के पेयर बना के मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिला तो यहाँ मिला और यहाँ भी देखो दोनों वैल्यू बराबर है तभी मैक्सिमम मान आएगा ठीक है <coughs> बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चलिए

कि अगर मैं दो बार एक लेकर वर्ग करूं तो मैं एक को दो बार सॉरी कहां तक लिखूंगा एक दो और वापस पे कहां जाऊंगा एक पे एक मेरे पास तीन बार है तो पहले इंक्रीजिंग में लिखूंगा एक दो तीन फिर डिक्रीज होकर दो और एक मान लो मैं कहूं एक एक, 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 एक एक चार बार है और इसका वर्ग करना है तो वर्ग करने का तरीका क्या होगा एक दो तीन चार लिख दो फिर वापस डिक्रीज में आ जाओ तीन दो और एक वैसे ही मैं कहूं कि एक, एक 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 पांच बार है और इसका वर्ग करने का तरीका क्या होगा तो आप कहोगे एक दो तीन चार पांच फिर डिक्रीजिंग में चार तीन दो और एक अच्छा अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि इनके अंकों का योग क्या होगा इनके अंकों का योग क्या होगा तो आप कहोगे सर दो एक तीन तीन और एक चार इनको जोड़ो तो कहोगे दो एक तीन तीन तीन, तीन छो आठ और एक नौ मैंने कहा इनके अंकों का योग करो तो आप कहोगे दो एक तीन 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 नौ नौ चार तेरह तेरह और तीन सोलह सोलह दो अठारह सोलह और दो सॉरी एक मिनट वापस जोड़ लीजिए तीन दो पांच और एक छीन दो पांच और छह छह बारह और चार सोलह सोलह होगा इनके अंकों का योग इनके अंकों का योग पूछते तो वापस जोड़ लेते हैं ठीक है तो अगर मैं ऐसे कहूं कि इनके अंकों का योग होगा तो एक तो तरीका क्या था कि इसका वर्ग लिखो और जोड़ो इसका वर्ग लिखो और इसका वर्ग लिखो और जीरो दूसरा तरीका क्या हो सकता है दूसरा तरीका क्या हो सकता है तो ध्यान देना यहाँ कितने अंक है दो अंक है तो आप दो का वर्ग कर दो कितना आ गया चार अंकों का योग पहले भी चार आया था इस तरीके से भी चार यहां कितने अंक है तीन तो तीन का वर्ग कर दो तीन का वर्ग कितना नौ यहां कितने अंक है एक दो तीन चार तो आप सिंपल चार का वर्ग कर दो कितना सोलह मैं बोलू इनके अंकों का योग तो देखो कितने हैं एक दो तीन चार पांच तो पांच का वर्ग कर दो कितना पच्चीस और इनको जोड़कर भी देख लो पच्चीस ही आएगा इसी कॉन्सेप्ट पे इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन तैयार किया गया है क्वेश्चन क्या है समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है नौ अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक एक हो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ आपसे कहा कि नौ अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक क्या हो एक हो तो मतलब एक को कितनी बार लिखना है नौ बार लिखना लिख दिया कह रहा है इस संख्या को इसी संख्या से गुना किया जाए अच्छा इसी संख्या को इसी संख्या से गुना करने का मतलब दो समान संख्या को गुना करने का मतलब उसका वर्ग निकालना मतलब इसका वर्ग निकाला मतलब निकाल जाता है तो परिणामी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें अब एक तो तरीका क्या है कि पूरा लिख दे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ फिर आठ सात छह तीन दो एक और सबको जोड़े दूसरा तरीका क्या मैंने सिखाया था एक कितनी बार है नौ बार तो इसका ही वर्ग कर दीजिए नौ का वर्ग कितना इक्यासी मतलब इसका जब वर्ग करेंगे और उन सारे नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर इक्यासी ही आएगा अंकों का योग इक्यासी तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर छोटा सा कॉन्सेप्ट था उसी से क्वेश्चन बन गया था बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन नंबर सेवन को नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है लेकिन इसमें सा आपको आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी का रूल आपको तेरा से विभाजित कौन कौन सी संख्या हो जाती है या कैसे नंबर हो जाते हैं यह आपको पता होना चाहिए देखिए एक चीज समझिएगा कॉन्सेप्ट यहां लिख रहा हूं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है जैसे मान लो मैंने कहा कि तीन अंकों की कोई संख्या है एबीसी अगर मैं इनको एक हजार एक से गुना करूं ध्यान देना अच्छे से तीन अंकों की कोई संख्या है ए बी सी अगर इनको मैं एक हजार एक से गुना करूं तो ये वैल्यू क्या आएगा सी और ए बी सी ए बी सी डबल बार रिपीट हो जाएगा और एक चीज का ध्यान देना ये जो एक हजार एक होता है ना ये तीन अभाज्य तीन अभाज्य खंडों से गुना होकर मिला बना होता है जैसे एक सात एक तेरह और एक कौन सा है ग्यारह आप सात तेरह और ग्यारह इन तीनों का गुना करेंगे तो हमेशा आपको कितना प्राप्त होगा एक हजार एक मतलब एक हजार एक के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा तो आप कहोगे सात तेरह और ग्यारह एक हजार एक का अभाज्य खंड क्या क्या होगा तो आप कहोगे सात तेरह और ग्यारह तो ये चीज आपको एक पता होना चाहिए कि एक हजार का अभाज्य खंड क्या क्या हो सकता है तो सात हो सकता है तेरह हो सकता है और ग्यारह हो सकता है अच्छा अभाज्य खंड सात ग्यारह तेरह हो सकता है मतलब ये है कि इसमें तेरह का भी भाग लग सकता है इसमें सात का भी भाग लग सकता है और इसमें का भी भी पूरा पूरा भाग लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है है ऐसा हो कि इन दोनों का गुना करके भी इसमें भाग लग सकता है इन दोनों का गुणा करके भी इसमें भाग लग सकता है या इन दोनों का गुना करके भी इसमें भाग लग सकता है कॉन्सेप्ट यहीं से उठाया गया इनमें से तेरा उठा लिया और बोला तेरह का डिविजिलिटी रूल से क्वेश्चन बना दिया हो सकता था पेपर में सात से पूछ लेता हो सकता है पेपर में यहाँ ग्यारह डालकर पूछ लेता और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का गुना कर देता है सा का बना देता हो सकता है इनका गुना कर लेता किसी भी का भी भी का कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है तो आपको कॉन्सेप्ट में ये ध्यान रखना है कि अगर तीन अंकों की संख्या तीन अंकों की संख्या दो बार रिपीट हो जाए तीन अंकों की संख्या दो बार आ जाए तीन अंकों की संख्या दो बार आ जाए तो वो हमेशा तेरह से सात से और ग्यारह से इन तीनों से तो होंगी होंगी साथ में इनके कॉम्बिनेशन से भी पूरा पूरा विभाजित होंगी ये चीज आपको ध्यान में रखना है अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है नौ को निन्यानवे बार लिखो मतलब ये कह रहा है नौ 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 ऐसे नौ नौ लिखते जाओ और कितनी बार लिखो तो निन्यानवे टाइम्स लिखो निन्यानवे बार लिखो अब सोचो कि निन्यानवे बार लिखना तो संभव है नहीं लिख के आप करोगे तो काम बनेगा नहीं

नौ 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 इसका मतलब है कि ये तेरह से विभाजित है ये तेरह से पूरा पूरा क्या होगा कट जाएगा बार नौ तो तेरा से तो तेरा से मतलब एक पेयर मुझे छे का लेना पड़ेगा एक पेयर मुझे किसका लेना पड़ेगा छ का और ऐसे ही मैं छे के पेयर लेते जाऊं तो देखो निन्यानवे में मैंने छे का भाग लगा दिया तो आपने कहा छम छे तीन नौ। फिर सॉरी तो मतलब मतलब छियानवे तो बार तक तो तेरह से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा लास्ट में क्या होगा तीन बार नौ बच जाएगा देखो रिमाइंडर तीन आया ना तो तीन बार नौ बच जाएगा बस इसी तीन बार नौ में तेरह का भाग लगाकर हम बता देंगे कि रिमाइंडर क्या है तो तेरह का मैंने भाग लगाया तेरह सते कितना इक्यानवे कट गया ये कितना आठ और नौ फिर तेरह छक कितना अठहत्तर अच्छा। कितना रिमाइंडर आया ग्यारह तो हमारा सही उत्तर क्या होगा ग्यारह ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर कि नौ को अगर मैं निन्यानवे बार लिखूं तो और तेरह से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर ग्यारह आएगा कॉन्सेप्ट अच्छा था इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना कल हो के साथ से क्वेश्चन पूछ लेगा इन तीनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन बनाकर क्वेश्चन पूछ सकता है बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन बन गया आपसे कह रहा है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड अंकों की संख्या है तो किससे भाज्य हो गया? अभी आपको बताया अगर तीन अंकों की संख्या दो बार लिख दे तो ये एक हजार एक से भाज्य होती है एक हजार एक से कट जाती है या इसके अभाज्य खंड सात तेरह इन सबसे भी कट जाती है ठीक है तो आपने कहा कि भैया किस किस से कट जाएगी तो एक हजार एक से या सात तेरह और ग्यारह से तो सात तेरह और ग्यारह कहाँ है ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर नाइन अच्छा क्वेश्चन है समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बल्लेबाज केवल एक रन लेते हुए या वा चौके और छक्के मारते हुए कितने तरीके से ठीक ठीक पच्चीस रन बना सकता है जबकि रन बनाने का कोई भी अनुक्रम हो सकता है कैसे भी रन बना सकता है किसी भी क्रम में बना सकता है लेकिन बनाना किस किस से है या तो सिक्स से सिक्स से फोर से और वन से या छक्का मारेगा चौका मारेगा और सिंगल लेगा और टोटल रन बनाने कितने हैं तो टोटल रन बनाने कितने हैं पच्चीस तो हमें बताना है कितने तरीके से ये पच्चीस रन बना सकता है अब देखो समझना क्वेश्चन को सबसे पहला देखो टोटल रन कितने बनाने हैं पच्चीस तो मैं स्टार्ट करता हूँ सिक्स से तो मैं देखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं छक्का कितना मार सकता हूँ तो आपको पता है एक छक्का मारूंगा तो उसमें छः रन होंगे एक सिक्स मारूंगा तो उसमें कितने रन होंगे छः और मुझे यहाँ टोटल रन कितने चाहिए पच्चीस तो मैक्सिमम मैं कितने सिक्स मार सकता हूँ चार तो आपने कहा कि पहले केस में ऐसा हो सकता है पच्चीस रन बनाने के लिए मैं चार छक्के को मार दूँ अगर मैंने चार छक्के लगा दिए तो छः चौका चौबीस हो गया तो मेरे पास कितना बचा अब एक और एक रन के लिए मुझे एक सिंगल ही लेना पड़ेगा कहने का मतलब मैं चौका एक भी नहीं मारूंगा अगर मैंने चार छक्के लगा दिए तो एक सिंगल लूंगा चौका नहीं मारूंगा तो इससे भी पच्चीस रन कंप्लीट हो जाएगा इससे भी पच्चीस रन कंप्लीट हो जाएगा ठीक है दूसरा क्या हो सकता है तो दूसरा हो सकता है कि चार के जगह मैं तीन ही छक्का मारूं। कितने सिक्स मारूं तीन तो छेत्री कितना अट्ठारह मैंने मार दिया किससे सिक्स से तो बचा मेरे पास कितना सात अब सात रन को मैं कैसे कैसे कर सकता हूं तो आप बताओ सात रन में मैं ऐसा हो सकता हूं कि एक भी फोर ना मारूं और चार के चार क्या ले लूं सिंगल ले लूं एक तरीका ये हो सकता है कि तीन छक्के मार दिए मैंने एक भी चौका नहीं मारा और चार के चार क्या ले लिए सिंगल सात के साथ क्या ले लिए सिंगल सात का सात मैंने क्या ले लिया सिंगल तब भी तो पच्चीस रन टोटल हो जाएगा दूसरा क्या हो सकता है कि मैं क्या काम करता हूं कि एक तो चौका मार देता हूं एक तो क्या मार देता हूं चौका तो सात में से चार मार दिया तो मुझे सिंगल कितने लेने, तीन. कितने लेने तीन. तो आपने कहा पॉसिबिलिटी थी इस वाले केस में टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है दो तो कैसे तो तीन छक्के जीरो चौके और सात सिंगल दूसरा पॉसिबिलिटी तीन छक्के एक चौका और तीन सिंगल तब भी मेरे पच्चीस रन बन जाएंगे तो आपने कहा कि सर एक पॉसिबिलिटी यहाँ से दो पॉसिबिलिटी यहाँ से दो तरीके से यहाँ पच्चीस रन बनाए जा सकते हैं तीसरा मैंने चार के बाद मान लो दो ही सिक्स लगाया कितने सिक्स लगाए दो तो छह दुनी कितना हुआ तो आपने कहा सर बारह अगर मैं बारह रन कम कर दू पच्चीस में से तो अब मुझे कितने रन बनाने हैं तेरह अब तेरह रन में कैसे बना सकता हूं तो ऐसे कर सकता हूं कि मैंने एक भी चौका नहीं लगाया और तेरह के तेरह सिंगल ले लिए एक तरीका यह हो सकता है तब भी पच्चीस रन बन जाएगा ऐसा हो सकता है कि मैं एक चौका लगा दूं कितने चौके लगा दूं एक और एक चौका लगा दिया तो कितने रन बचे नौ तो नौ के नौ रन में सिंगल ले लूं तब भी पच्चीस रन तैयार हो जाएगा ऐसा हो सकता है कि मैं दो चौका लगा दूं कितने चौके लगा दूं दो चार दुनी आठ और पांच के पांच रन में क्या ले लूं सिंगल ले लूं क्लियर है ऐसा हो सकता है कि मैं तीन चौके लगा दूं कितने चौके लगा दूं तीन चार और एक मैं क्या ले लूं सिंगल तब भी पच्चीस रन तैयार हो जाएंगे कॉम्बिनेशन देख लो दो तो छक्के जीरो चौके और तेरह रन ले लो तब भी पच्चीस बन जाएंगे दो छक्के एक चौके नौ रन तब भी पच्चीस बन जाएंगे दो छक्के दो चौके और पांच रन तब भी पच्चीस बन जाएंगे दो छक्के तीन चौके और एक रन तब भी पर... पच्चीस रन बन जाएंगे तो यहाँ टोटल कितने पॉसिबिलिटी हो गई चार चार तरीके से हम पच्चीस रन बना सकते हैं वैसे ही मान लो मैंने एक ही छक्का लगाया कितने छक्के लगाए एक तो छह रन बनाए एक छक्का लगाया मतलब मैंने कितना रन बना दिया छह रन तो मुझे अब कितने बनाने रह गए तो आप कहोगे सर उन्नीस रन बनाने रह गए कितने रन उन्नीस रन अब उन्नीस रन कैसे कैसे कर सकता हूं तो मैं एक भी चौका ना लगाऊं और उन्नीस सिंगल ले लूं दूसरा हो सकता है कि मैं एक चौका लगाऊं तो मैंने सिंगल कितना लेना पड़ेगा पंद्रह क्योंकि एक चौका चार रन घट जाएगा 15. Gaau, duni, 8, lady, follow, तो पंद्रह अगर मैं दो चौका लगाऊं तो चार दुनिया आठ तो मुझे सिंगल कितने लेने पड़ेंगे ग्यारह अगर मैं तीन चौका लगाऊं तो चार तिया बारह अगर मैं तीन चौके लगाऊ कितने चौके लगाऊं तीन अगर मैं तीन चौके लगाऊं तो चार तिया बारह तो कितने रन लेने पड़ेंगे तो आपने कहा सर सात अगर मैं चार चौके लगाऊं तो चार चौका सोलह तो कितने रन लेने पड़ेंगे तीन ठीक है अच्छा पांच चौके लगा सकता हूं नहीं पांच चौका बीस रन तो उन्नीस ही बनाने तो यहां टोटल कितने वे हो सकते हैं पच्चीस रन बनाने के लिए तो आपने देखा एक दो तीन चार पांच पांच तरीके यहां हो सकते हैं अगली पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि मैं एक भी छक्का ना मारू एक भी सिक्स ना लगाऊ ठीक है एक भी सिक्स में ना लगाऊं तो मुझे एक बात बताओ अगर मैंने एक भी सिक्स नहीं लगाया तो मुझे क्या करना पड़ेगा 25 के 25 रन बनाने पड़ेंगे 25 के 25 रन अब 25 के 25 रन कैसे बन सकते हैं तो आप कहोगे सर जीरो चौका और 25 रन जीरो छक्का जीरो चौका और 25 रन आप ऐसा भी कह सकते हो सर एक चौका कितने चौके एक चौके तो एक चौका लगा दूं, तो कितने रन बचेंगे 21 रन सिंगल से मैंने कहा सर दो चौका लगा दो तो चार दुनिया आठ आठ यहां से कम कर दोगे तो आपने कहा सर कितने तो सत्रह सिंगल से मैंने कहा तीन चौके लगा दो तो चारिये बारह बारह कम कर दोगे तो आप कहोगे तो तेरह सिंगल ले, ले लेते हैं मैंने कहा चार चौके लगा देते हैं तो चार चौका कितना सोलह और सोलह अगर यहां से कम करोगे तो आप कहोगे नौ रन सिंगल से ले लेते हैं नौ रन ठीक है फिर मैंने कहा पांच चौके लगा दो पांच चौका कितना बीस 5 20, तो आप 5 सिंगल से ले लेते हैं फिर मैंने कहा छह चौके लगा दो चौका चौबीस तो एक सिंगल ले सकते हैं सात चौके नहीं लगा सकते क्योंकि तो सात चौके लगाते ही क्या हो जाएंगे सात चौका अट्ठाईस जबकि रन कितने बनाने हैं पच्चीस तो पच्चीस रन बनाने के ये कितने तरीके हो गए एक दो तीन चार पांच छ सात सात ये तरीके हो गए ठीक है मतलब इस इस कंडीशन में चले तो एक तरीके से 25 रन बन जाएगा इस कंडीशन को फॉलो करे तो दो तरीके से इस कंडीशन को फॉलो करे तो चार तरीके से इस कंडीशन को फॉलो करे तो पांच तरीके से और इस कंडीशन को फॉलो करे तो सात तरीके से तो हमसे यही तो पूछा जबकि रन बनाने का कोई अनुक्रम नहीं हो सकता तो बताएं कितने तरीके से मैं पच्चीस रन मार सकता हूँ तो देखो सात और पांच बारह बारह और चार सोलह सोलह दो अठारह अठारह और एक उन्नीस तो इन सबको मैंने ऐड कर लिया तो टोटल कितना आया उन्नीस टोटल उन्नीस तरीके हैं जिससे मैं पच्चीस रन बना सकता हूं ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बिल्कुल ही सही उत्तर मैंने एक एक चीज लिख लिख के कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट आपको समझाया है अच्छा क्वेश्चन था ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन को देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है इसमें भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना होगा आना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने घन पूर्णांक है जिनसे ग्यारह को विभाजित करने पर शेषफल इकतीस आ जाए मतलब ये कह रहा है कि ग्यारह में मैं किसी नंबर का भाग लगाऊं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए इकतीस अच्छा इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो अगर मान लो यहाँ से इकतीस कम कर देते हैं तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ इकतीस कम कर दो तो ग्यारह सौ पचपन प्लस इकतीस बटा कोई नंबर है ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मुझे ये पता चल जाए कि ग्यारह सौ पचपन में किस किस का भाग लग जाएगा और उसमें अगर मैं इकतीस जोड़ दूंगा तो भैया रिमाइंडर हर बार इकतीस आएगा यहाँ कोई नंबर है उससे पता चल जाएगा कि ये कट रहा है और 31 प्लस कर रहे हैं मतलब हर बार रिमाइंडर कितना आएगा 31 तो ओवरऑल करना क्या है हमें ओवरऑल करना ये है कि 1155 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अब आज ये खंड ज्ञात करना है ये पता करना है कि 1155 में ऐसी कितनी संख्या है जिससे भाग लग सकता है तो कर लो ग्यारह लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन करें देखो ग्यारह से कट गया एक जीरो और पाँच पाँच से कट गया दो और एक फिर सात से कट गया कितना तीन तो आपने कहा कि सर इसका प्राइम फैक्टराइज अभाज्य खंड क्या क्या होगा तो तीन, गुना पांच गुना सात गुना मैं कितने ऐसी संख्या है जिससे ग्यारह सौ पचपन कट जाएगा तो आप कहोगे सर इनका जो भी पावर होगा उसमें एक ऐड कर दो तो एक में एक ऐड किया दो इस एक में एक ऐड किया दो इस एक में एक ऐड किया दो और इस एक में एक ऐड किया दो तो मतलब सोलह ऐसी संख्या है जिससे 1155 कट जाएगा यह चीज हमें पता चल गया अब रिमाइंडर मुझे कितना लाना है इकतीस एक चीज बताओ मैंने कहा कि कोई नंबर है मैं इसमें चार का भाग लगाना चाहता हूं कितने का भाग लगाना चाहता हूं चार का तो मैंने पूछा शेषफल आने की संभावना क्या क्या होगी तो आप कहोगे शेषफल तीन दो और एक आ सकता है कैसे कि जिस भी नंबर से भाग लगाते हैं उससे छोटा ही से सकता है उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं आ सकता है यह आपने भाग के अंदर पढ़ा होगा नंबर सिस्टम के अंदर ठीक है कि मान लो कोई नंबर है और उसमें मुझे इकतीस का भाग लगाना है किसका भाग लगाना है इकतीस का तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है तो आप कहोगे तीस ऐसे ही करके कहां तक 21 तक लास्ट मतलब जिस भी नंबर का भाग लगाओ उससे छोटा ही रिमाइंडर आएगा यह चीज तो फिक्स है तो मुझे एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा मुझे यहाँ वही नंबर काउंट करने पड़ेंगे वही संख्याएं काउंट करनी पड़ेंगी जो इकतीस से क्या है बड़ी है क्योंकि इकतीस से बड़ी अगर बड़ी नंबर में लूंगा इकतीस से बड़ा नंबर में यहां पे लूंगा तो मैं जब भी भाग लगाऊंगा तो इकतीस रिमाइंडर आ जाएगा लेकिन इकतीस से मैं अगर छोटा लूंगा तो तो कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा तो थोड़ा सा ये समझना था तो देखो टोटल तो सोलह संख्याएं हैं अब मुझे यह देखना पड़ेगा इकतीस से छोटी कौन कौन सी संख्या है उसको इसमें से घटा देते हैं तो देखो यहां पे यहां मैं लिख रहा हूं इकतीस से छोटी कौन कौन सी संख्या हो सकती है तो देखो सर एक हो सकता है एक हो सकता है अच्छा एक के बाद तीन हो सकता है

ये जो सात ऐसी संख्या है जिससे अगर भाग लगाए तो इकतीस रिमाइंडर नहीं आएगा क्यों क्योंकि ये सारी संख्या इकतीस से क्या है छोटी है तो ये सात संख्या यहां से माइनस कर दो तो आपने कहा टोटल कितनी संख्या नौ नौ ऐसी संख्या है जिससे मैं इसमें भाग लगाऊं ग्यारह सो छियासी में भाग लगाऊं तो हर बार रिमाइंडर क्या बनेगा इकतीस तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी नाइन ऑप्शन नंबर डी नाइन आप ऐसे भी कर सकते थे या दूसरा तरीका क्या था आप पूरा पेयर ही बना सकते थे इकतीस से बड़े सारे पेयर ले सकते थे जैसे मैं इसको ऐसे भी समझा दू समझना आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आपको इतना तो समझ में आ गया कि ग्यारह इसको ऐसे लिख लिया अच्छा आपने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया प्राइम फैक्टर निकाल लिया था तो आपने कहा सर 11 से कट गया था 105 बार 5 से कट गया था 21 और 7 से कितनी बार तीन बार तो आपने कहा था तीन गुना पांच गुना सात गुना ग्यारह ग्यार हो सकता है अब मुझे पता है ये x का जो मान है वो इकतीस से बड़ा ही लेना है तो मैं क्या क्या ले सकता था तो देखो एक एक करके कर देखो एक तो मैं तीन गुना पांच गुना सात गुना ग्यारह ले सकता हूँ इकतीस से, से बड़ा है क्योंकि अगर इकतीस से बड़ी नंबर बड़ा नंबर नहीं लूंगा तो सेसफल इकतीस आएगा ही नहीं दूसरा मैं क्या ले सकता था तो मैं कह सकता था तीन गुना पांच गुना सात इनको भी गुना करके देखो इकतीस से बड़ा है तीसरा मैं क्या ले सकता था तीन गुना पांच गुना ग्यारह ये भी इकतीस से बड़ा है चौथा में क्या ले सकता था तो पांच गुना सात गुना ग्यारह ये भी इकतीस से बड़ा है पांचवा में क्या ले सकता था तो मैं कहता पांच गुना सात गुना ग्यारह ठीक है पांचवा में क्या ले सकता था तो मैं और पेड़ बना लू देख देखो मैंने ये सात तीन ग्यारह का नहीं बनाया है तो मैं ऐसे कह देता सात ग्यारह और तीन छठा में क्या ले सकता था तो मैं कहता सात तीन ग्यारह फिर मैं कहता पांच ग्यारह सॉरी, ये ले लिया, ठीक है, अब तीन -तीन का बना सात ले तो गुना ग्यारह यह भी इकतीस से ज्यादा तो नेक्स्ट में क्या ले सकता था तीन गुना ग्यारह यह भी इकतीस से ज्यादा है ग्यारह तीस तैतीस अब मैं क्या कॉम्बिनेशन देखो कितने गए चार चार आठ एक कॉम्बिनेशन और क्या बना सकता था तो देखो ग्यारह गुना पांच यह भी इकतीस से क्या है ज्यादा है देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ टोटल नौ पेयर ऐसे बना सकता था जो इकतीस से ज्यादा हो और जिससे इसमें भाग लगाएंगे तो इकतीस रिमाइंडर आएगा इसके अलावा नहीं तो ऐसे भी पेयर बना के आप बता सकते थे कि टोटल कितने मान संभव है तो नौ मान संभव है ऐसे भी बता सकते थे तो ट्रेडिशनल तरीका यह था और वो मैंने डायरेक्ट तरीका आपको समझाया था डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन समझाया था कि टोटल फैक्टर निकाल लो टोटल आपने कहा सोलह ऐसी संख्या जिससे भाग लग सकता था अब वो सारी संख्या उसमें से घटा दो जो इकतीस से छोटी है क्योंकि रिमाइंडर इकतीस लाना है तो इकतीस से बड़ी लेनी पड़ेगी तो क्या क्या हो सकता था तीन सात ग्यारह इनका पेयर पंद्रह इक्कीस और एक साथ कम कर दिया तो नौ आ गया बढ़िया अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर ग्यारह यह आसान सा क्वेश्चन है क्या कह रहा है एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित बारह वस्तुओं में से दिशावर्ती दिशा में दस क्रमागत वस्तुओं को की चयनों की संख्या क्या होगी क्रमागत लेना है क्रमागत का मतलब समझिए जैसे मान लीजिए मैंने यहां से स्टार्ट किया एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह अब क्रमागत का मतलब क्या है कि अगर मैं स्टार्ट एक से स्टार्ट करूंगा शुरुआत अगर एक से करूंगा तो एक दो तीन चार नौ, दस, ऐसे क्रम में लूंगा मैं दो से करूंगा तो दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ऐसे लूंगा बीच में कोई छोड़ूंगा नहीं या फिर ऐसे नहीं कि दो के बाद मैं चार से स्टार्ट कर दूंगा ऐसे नहीं तो मान लो आप एक से ही शुरू करते हो मैं नंबर चेंज कर रहा हूं आपको दस लगातार सेलेक्ट करना है एक से ही शुरू करते हो तो एक से ही स्टार्ट किया आपने आपने तो कहा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यहाँ पे आप पिंड करोगे ये दस लगातार करोगे दो से शुरू करोगे तो आप कहोगे ग्यारह पिंड करोगे तीन से शुरू करोगे तो आप बोलोगे बारह तक लगातार चुन लूंगा चार से शुरू करोगे तो आप कहोगे फिर वापस कहाँ पे आ जाएंगे एक तक लगातार इसी तरीके से आप क्रम करोगे तो, तो टोटल कितनी बार चलना पड़ेगा काउंट करके देख लो एक दो तो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बार चलना पड़ेगा तो आंसर भी बारह ही होगा कितने तरीके से चयन कर सकते हैं दस क्रमागत वस्तुओं को तो बारह तरीके से कर सकते हैं समझ गए कहीं से शुरुआत करो दस वस्तु ले लो फिर अगले से शुरुआत करो दस वस्तु ले लो फिर अगले से करो दस वस्तु ले लो फिर इसके अगले से दस वस्तु तो, तो टोटल टो आप कहां तक पहुंचोगे बारह तक ही पहुंचोगे बारह तरीके से ही कर सकते हो तो आंसर क्या हो जाएगा बारह आसान था ये अच्छा एक क्वेश्चन और है ये देखो क्वेश्चन नंबर बारह देखो क्वेश्चन नंबर बारह क्या कह रहा है अंक एक दो तीन चार से इन अंकों में से किसी अंक को बिना दोहराए रिपीट नहीं करना है ये चार अंक लेने हैं और इन चारों में से किसी को रिपीट नहीं करना है बने इन सभी चार अंकों की संख्या का जो 2000 से क्या है कम है योगफल निकालना है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको चार अंक दे दिए एक दो तीन चार अब कंडीशन क्या है तो कंडीशन सबसे पहला ये है कि इनमें से कोई भी अंक आपको रिपीट नहीं करना है पहला कंडीशन ये दूसरा कंडीशन क्या है कि जितनी भी संख्याएं लेनी है चार अंकों की सब 2000 से कम लेनी है तो एक चीज तो समझ गए अगर मुझे चार अंकों की संख्या लेनी है। मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा स्पेस लेकर चार अंकों की संख्या लेनी है दो तीन चार तो 2000 से छोटी लेनी है तो ये तो फिक्स है कि यहां एक ही होगा अगर मैं यहाँ दिल दो ले लूंगा तो दो से जो भी इसके बाद जो भी वैल्यू लिखूंगा वो तो दो हजार के बराबर या दो हजार से बड़ी होंगी मुझे यहाँ एक लेना होगा तभी तो ये दो हजार से कम होगा तो मैंने कहा कि सर यहाँ पे तो एक फिक्स हो गया इस प्लेस पे एक फिक्स है तभी ये पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा कि संख्याएं सारी दो से क्या है छोटी है अब इसके बाद कम्बिनेशन बनाना देखो एक तो यहीं पर आ जाएगा हर जगह अब मैं क्या कम्बिनेशन बना सकता हूँ तो एक दो तीन चार ठीक है दो तीन ले लिया तो यहां तीन दो ले ले सकता हूं ऐसे अब मैं क्या कर सकता हूं तो देखो ऐसे कर सकता हूं एक चार तीन दो ये कम्बिनेशन बन सकता है चार तीन या फिर ऐसे कर लो क्रम में कर लो लो रिपीट नहीं करनी है देखो क्रम समझाओ पहला क्या संभव है तो एक दो तीन चार ले लो अच्छा यहां तो एक ही होगा इनको उल्टा कर दो तीन दो चार, रिपीट नहीं हुआ अच्छा ये तो एक ही होगा अब देखो इनको उल्टा करके चल लो दो रहने दो चार तीन ठीक है यहां तो एक ही होगा ठीक है अब इनको उल्टा कर लो तो आपने कहा चार तीन दो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इनको क्रम देखो तीन दो चार ले लिया दो चार तीन ले लिया चार तीन दो ले लिया अब क्या ले सकते हैं चार दो तीन चार सौ तेईस भी ले सकते हैं अब क्या हो सकता है एक तीन चार दो ये भी हो सकता है एक दो तीन चार पाँच छः यही छः कम्बिनेशन बैठ सकते हैं देख लो एक दो तीन चार तीन दो चार दो चार तीन चार तीन दो चार दो तीन तीन चार तीन ठीक है इनका ही हमें क्या करना है जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इनका ही योग निकालना है इनको क्या करना है जोड़ना है तो जोड़ो चार और चार आठ आठ तीन ग्यारह ग्यारह और दो तेरह तेरह और तीन सोलह सोलह और दो अट्ठारह आठ अच्छा सबके यूनिट डिजिट में आठ है तो यूनिट डिजिट से हो नहीं सकता अठारह का आठ कैरी एक तीन दो पाँच पाँच चार नौ नौ और तीन कितना बारह बारह दो चौदह चौदह और चार सोलह सॉरी चौदह और चार अट्ठारह और एक उन्नीस हासिल कितना एक अच्छा ढाई पे नौ आ गया मतलब यही होगा जोड़ने पर बाकी हम जोर भी सकते हैं कैरी एक आया तीन दो पांच पांच दो सात सात चार ग्यारह ग्यारह चार पंद्रह पंद्रह और तीन अट्ठारह और एक उन्नीस फिर कह रही एक ये एक को कितनी बार छः बार छः और एक सात तो इनका योग कितना होगा सेवन डबल नाइन एट आंसर क्या होगा सेवन डबल नाइन एट क्लियर है सारी संख्याएं दो हजार से छोटी भी हो गई और कोई रिपीट भी नहीं हुआ ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं आज बारह क्वेश्चन लगभग मैंने आपको कराए हैं सी सेट के अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए थे हर जगह कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट था अगर आपने नंबर सिस्टम नाम का टॉपिक पढ़ा होता अच्छे से तो सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या थे डुएबल थे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू